भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अमेरिका के संपादक ने 3 प्रश्न किए भारत से, उसके उत्तर आज 70 वर्ष हो गए आज तक मिल नहीं पाए। मैं आपसे करता हूं वो प्रश्न। अमेरिका के एक संपादक ने भारत के सांसद से पूछा, सन 1958 में उसने पहला प्रश्न पूछा कि आपके देश का नाम क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अपने बच्चे बैठे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? नहीं मालूम, बोलो क्या नाम, गर्व से बोलो जरा, हमारे देश का नाम क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर इंडिया नाम कैसे हो गया? ध्यान रखिए, मेरे देश का नाम तो भारत है ना, इंडिया नाम कैसे हो गया? इतनी नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां से संकल्प लेना कि हम अपने देश को कभी इंडिया कहकर के नहीं बुलाएंगे। मेरा देश भारत है, मेरा देश भारत है, ये इंडिया नहीं हो सकता है। जब जब मेरे देश को कोई इंडिया कहता है तो मुझे 100 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है आपको, ब्रिटिश हुकूमत ने आपको इंडिया नाम दिया है। अरे जब जब इंडिया कहोगे तो हमें गुलामी के दिन याद आएंगे, और जब जब भारत कहोगे तो ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती याद आ जाएंगे, राम दस राम भ्रात भरत याद आएंगे, शकुंतला पुत्र भरत की याद। भारत संस्कृति है, भारत कहकर बुलाए, इसे इंडिया बिल्कुल ना कहें। ये गुलामी की भाषा, ये गाली है हमारे देश पर बहुत बड़ी, भारत बोलो। आज मैं वहां बैठा हूं बारामती में, इसलिए ज्यादा प्रसन्न हूं कि 71वीं आजादी का वर्ष मनाने का अवसर मिला है। जापान एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, और पड़ोस का तो नाम लेने ही बेकार है। ध्यान रखना, रूस एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, वो भारत भी एक, लेकिन इन राष्ट्रों में मेरा राष्ट्र थोड़ा अलग है। ध्यान रखना, सब दुनिया में राष्ट्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भारत ऐसा है जो राष्ट्र भी है, और राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है, और महाराष्ट्र में सौराष्ट्र भी, सौराष्ट्र इसी देश में, महाराष्ट्र राष्ट्रों में भी महाराष्ट्र, बोलो ना जय महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि राष्ट्र में महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र, गुजरात चले जाओ सौराष्ट्र मिल जाएगा, ऐसा देश तो दुनिया में केवल भारत हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पैसा आपके पास हो जाए, दुनिया भर के देश घूम के आ जाना, और जब पूरी दुनिया को घूम कर आ जाओगे और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरोगे और सारी दुनिया में जो देखा है उन्हें थोड़ा सा याद करोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान। भारत से अच्छा कोई देश नहीं, इससे अच्छा कितने दिन रहोगे अमेरिका? 8-10 दिन बाद कहोगे चलो घर वापस चलते। चाइना कितने दिन रहोगे? रूस कितने दिन रहोगे? ध्यान रखिए, अपना वतन अपना देश, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा देश कैसा देश है? अमेरिका का नक्शा देख लो, आड़ा टेढ़ा जैसे अपने यहां शकरकंदी होती है। चाइना का देख लो, विचार करिए, और एक का तो देखो ही मत, कोई काम का नहीं, विचार कर, कहीं का भी नक्शा उठा करके देख लेना, और मेरे भारत का नक्शा देख लो। ये भारत माता यहां पर खड़ी हुई है, ध्यान रखिए, इसका नक्शा देखना, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं,
बलती कोई जीती जागती आत्मा खड़ी है वो हिंदुस्तान हुआ करता है। देखिए भारत के ऊपर देखिए कश्मीर बैठा हुआ है, हिमालय जिसका शिखर मुकुट बना हुआ है। ध्यान रखना ये पंजाब और सिंध, ध्यान रखना ये इसकी बाजू बाजू की दो मजबूत भुजाएं हुआ करती है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट इसकी जंघाएं हुआ करती हैं। विचार करिए नर्मदा इसकी करधनी हुआ करती है। विचार देखना आप नक्शे को, नर्मदा करधनी के समान है, पैर ऐसे हैं जो कन्याकुमारी तक पहुंचा करते हैं, कन्याकुमारी में चरण है। और एक बात याद रखना, उन चरणों को कोई पखारता है तो हिंद महासागर इस भारत के चरण पखारा करता है। जान ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत देश, ध्यान रखिए मानने वाला। सोचना है आपको ऐसा नक्शा तो दुनिया में किसी के पास ना हो। एक आदमी ने, एक स्कूल में एक टीचर ने एक भारत का नक्शा फाड़ दिया। उसने बच्चों से कहा कि कोई है जो इसे जोड़ सके। बच्चों ने कहा ये तो फट गया, कैसे जोड़ेंगे। एक बच्चा था जिसने जोड़ दिया, उसने कहा मैं जोड़ सकता हूं। एक मिनट नहीं लगे भारत का नक्शा जोड़ दिया। उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। बोले मुझे नहीं मालूम कि भारत का नक्शा कैसा है, मैंने तो एक पुरुष का चित्र बना दिया, पलट के देखा तो भारत का नक्शा बन गया। यहां आदमी से आदमी को जोड़ दो तो हिंदुस्तान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। उस संपादक ने पूछा कि आपके देश का नाम क्या है। मेरे देश का नाम तो भारत है, तो फिर इसे इंडिया कह के क्यों बुलाया जाता है। 70 साल के बाद भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाए, आज भी गुलामी की आदत पड़ी हुई है, भाषा की गुलामी, विचारों की गुलामी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है। कौन सी भाषा अपने देश की बोलो, ऐसे डर डर के बोलो यार, कौन सी भाषा है। तुम तो बोलो देवियो, मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो संपादक ने पूछा कि फिर आपके यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं, इंग्लिश में काम क्यों होते हैं, जब आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही सब काम होना चाहिए, आप हिंदी दिवस क्यों मनाते। बड़ा दुख होता है मुझे, इस देश में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, अरे यहां तो प्रति पल हिंदी दिवस होना चाहिए। नेताओं को भी क्या बोले, जब चुनाव आते हैं महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे, ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी में वोट मांगेंगे और जब जीत जाएंगे दिल्ली दरबार में अंग्रेजी झाड़ने लगेंगे, ध्यान रखिए। ये कैसा चरित्र है इनका, ये कैसा जीवन है इनका। दिल्ली दरबार में अंग्रेजी बोली जाती है, सारे ऑफिशियल काम सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में होना चाहिए मेरे भाई। हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखिए। और कश्मीर भारत की मांग का सिंदूर हुआ करता है। और जब तक भारत के नौजवान जिंदा है वो अपनी मां का सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। वो पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो अब की बार यदि जंग हुआ तो जो तुमने हमारा दबा रखा है वो कश्मीर भी पूरा हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको, सोचना है मान्य। फिर अंग्रेजी क्यों बोली, अंग्रेजी ने ऐसा सत्यानाश किया इस देश का कि हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि यार दो चार फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलो तो ऐसा लगता है बैकवर्ड का आदमी है, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है, ध्यान रखिए। विचार करना है, दो चार फर्राटेदार इंग्लिश होना चाहिए, इस पे गर्व मत करिए। अंग्रेजी बोलना झूठी पत्तले चाटना है उनकी, ध्यान रखिए। हिंदी का सम्मान होना चाहिए, भारत पर हमें गर्व होना चाहिए, ध्यान रखिए। हिंदी
मालूम है, व्यापार में इंग्लिश चलती है, व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि दिल की भाषा कौन सी है, तो जो दिल के आसपास रहा करती है वो केवल हिंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, हिंदी दिलों की भाषा है, हिंदी दिलों को जोड़ा करती है, हिंदी दिलों को पास लाया करती है। हिंदी का प्रचार नहीं, हिंदी का सम्मान होना चाहिए इस देश में, हमारी राष्ट्रभाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी आ गई, ऐसी अंग्रेजी आ गई, हमारी हिंदी जानते हो क्या होती है? अपने वतन की भाषा हिंदी, यदि एक कटोरी एक लोटे में पानी ले आओ और यदि उसे पूजा के स्थान में रख दो, तो मेरी हिंदी उस पानी को जल बना दिया करती है, और यदि किसी प्यासे के पास ले जाओ तो वही पानी अमृत बन जाया करता है, और वही पानी यदि सफाई के रूप में रखो तो उसे पानी कहा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेज लोग वाटर को जल नहीं बना पाए, वाटर को अमृत नहीं बना पाए। ये केवल भारत है, यहां नाम बदल जाते हैं। पूजा में जल चढ़ता है, प्यास में पानी का उपयोग हुआ करता है। माननीय, ऐसी हमारी देश, दिलों की भाषा हिंदी है। क्या है, अंग्रेजी जब से आई है, ऐसा अंकल आया कि मामा भी गायब, चाचा भी गायब, फूफा भी गायब, मौसा भी, जो देखो वो अंकल, पड़ोस का है तो अंकल। ये ऐसा अंकल आया, फिर अंकल चिप्स आ गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, सारे रिश्ते छिन गए, कोई रिश्ते ही नहीं बचा। जो भी दिखा आंटी अंकल आंटी, इनमें कौन सा संबंध दिखता है? अपने हैं तो अंकल, पड़ोसी हैं तो अंकल, पहचान के हैं तो अंकल, विदेश का है तो अंकल। अरे मामा कहो तो मधुरता टपका करती है, मौसा कहो तो आत्मीयता बना करती है, चाचा कहो तो चाचा नेहरू याद आ जाया करते। विचार करिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ छिन गया। ये जो अंग्रेजी में हमारी पीढ़ी भाग रही है, जो देखो इंग्लिश मीडियम, पागल हुए। मैंने सोचा आज अंग्रेजी ऐसी छाती पर चढ़ी है भारत के, कि आज भी इसने देश को गुलाम बना रखा है। ऐसी अंग्रेजी, ऐसी इंग्लिश, जरा देखना भारत और अंग्रेजी की दशा क्या है। एक बात बताओ, आप स्कूल गए, हिंदी तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, नहीं पढ़ी, पहली दूसरी क्लास पढ़ी है ना, वर्णमाला पढ़ी होगी, ए अनार का, ई इमली का पढ़ा है, इससे तो सीखी जाती है। ध्यान रखना, जब हिंदी पढ़ी जाती है तो आ से अनार, आ से शुरू होती है और ज्ञा से समाप्त होती, ज्ञा से ज्ञानी, आ से अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ो, ए फॉर एप्पल, एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा पे समाप्त होती है। मेरे भारत की भाषा ज्ञानी बनाती है और अंग्रेजी जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा बना करके छोड़ा करती है। विचार करिए, सोच रहा, अंग्रेजी गधा, जेब्रा कौन होता है? देसी गधा हो तो भी चल जाए मेरे भाई, अंग्रेजी गधा आ गया है। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी इंग्लिश गधा, गधा बना के छोड़ेगी अंग्रेजी। ध्यान रखना, ज्ञानी बनना है तो हिंदी में आना ही पड़ेगा, हिंदी ज्ञानी बनाती है। बाहर है मेरा देश, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, सबसे पहले सूर्य अपनी रोशनी भारत को दिया करता है। ध्यान रखना, क्योंकि हम पूरब में रहने वाले लोग हैं और वो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं। एक बात याद रखना, पूरब के लोग सूरज उगाना जानते हैं और पश्चिम के लोग सूरज डुबाना जानते हैं। वहां सभ्यता संस्कृति सब डूब जाया करती, हमारे यहां तो उदय हुआ करता है, सूर्य उदय हुआ करता है। पहली रोशनी सूरज चांद जिसकी आरती उतारते हैं प्रतिदिन, वो मेरा हिंदुस्तान हुआ करता है, वो मेरा भारत देश हुआ।